हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय क्लास। कल की क्लास में जो है मैंने आपको सेवन्थ क्लास की इस्लामियत में आप लोगों के लिए लेकर आई थी। आज मैं लेकर आई हूँ एट क्लास की इस्लामियत, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि मैं सिक्स टू टेन क्लास की इस्लामियत जो है वो आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो ये बाहर से कुछ कवर इसका ऐसा हैगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है आठवीं जमात की, इसका पहला चैप्टर जो है वो जो है सूरतों पर हैगा, सिर्फ सूरतें हैंगी और उनके तर्जुमा हैगा। तो ये तो सूरतें बस आपको पता ही हैं और फिर उनके तर्जुमे याद करने हैं। तो मैं दूसरे चैप्टर से जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। दूसरे चैप्टर से जो है वो आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। दूसरे चैप्टर का नाम है ईमानियात इबादात और अकीदा आखिरत। हम इसमें जानेंगे कि अकीदा आखिरत क्या है, अकीदा आखिरत क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ के रीडिंग करके सुनाती हूँ, उसके बाद उसका क्या मतलब है वो समझाती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस्लाम के चंद बुनियादी अकायद हैं जिन पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इस्लाम के कुछ उसूल हैं जिन पर हर मुसलमान को ईमान लाना ज़रूरी है। अब वो क्या हैं, इन बुनियादी अकायद में एक अकीदा आखिरत भी है। अकीदा आखिरत, अकीदा आखिरत का मतलब क्या है कि आखिरत पर यकीन रखना, ठीक है। अब इसके मायने क्या हैं, लघवी मायने क्या हैं और इसके इस्तिलाही मायने क्या हैं, तो यहाँ पे दोनों देख लेते हैं। अकीदा के लघवी मायने हैं बांधी हुई या गिरह लगाई हुई चीज़ के हैं। बांधी हुई या गिरह लगाई मतलब जैसे आप रस्सी में आपस में बांधते हैं, गिरह लगाते हैं वो, ठीक है। अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो के गिरह लगाए भी का क्या मतलब है। और आखिरत के लघवी मायने हैं बाद में आने वाली चीज़ के हैं, ठीक है। तो इस्तिलाही शरीयत में अकीदा आखिरत के मायने हैं, ठीक है। इस्तिलाही शरीयत में अकीदा आखिरत के मायने हैं मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी पर पुख्ता यकीन रखना। मतलब अकीदा आखिरत के मायने ये हैं कि मरने के बाद आने वाली ज़िंदगी पर यकीन रखना, पुख्ता यकीन रखना, मतलब पक्का यकीन रखना कि मरने के बाद भी दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसका मफहूम पढ़ते हैं कि आखिरत की ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होती है। जाहिर सी बात है कि आखिरत यानी कि मरने के बाद जो है वो ज़िंदगी जो है वो शुरू होती है। मरने के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि मरने के बाद की भी एक अलग ज़िंदगी होती है। अब वो कैसी है वो कभी किसी को नहीं पता, क्योंकि मरने के बाद कभी कोई आके नहीं बताता कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी है और कैसी नहीं। तो मरने के बाद की ज़िंदगी कैसी है ये आज तक किसी को नहीं पता। अकीदा आखिरत का मफहूम है कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फना नहीं होता, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। कि मरने के बाद इंसान फना मतलब ख़त्म नहीं होता, सिर्फ इंसान के जिस्म से उसकी ताकत उसकी जान ख़त्म हो जाती है, मगर उसकी रूह ज़िंदा रहती है। उसकी रूह ज़िंदा रहती है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है, ठीक है। मरने के बाद इंसान कब्र में मुंतकिल होता है। सबसे पहले तो मरने के बाद इंसान कहाँ मुंतकिल होता है, वो कब्र में मुंतकिल हो जाता है। और कब्र की ज़िंदगी को आलमे बरज़ख कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कब्र में जो ज़िंदगी गुजारी जाती है उसको कहते हैं आलमे बरज़ख। जब दुनिया का ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, ठीक है। जब दुनिया का ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा मतलब क्या कि जब ये पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी दुनिया फ़ानी हो जाएगी, इसके यहाँ के रहने वाले इंसान हैवान चरिंद परिंद जानवर यहाँ तक के एक एक चीज़ जब ख़त्म हो जाएगी तो अल्लाह ताला के हुकुम से तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, ठीक है। इस पर पुख्ता यकीन रखना अकीदा आखिरत में शुमार होता है। फिर तमाम इंसान अल्लाह ताला के सामने हाजिर होकर अपने अमाल का हिसाब देंगे। अपने अमाल मतलब जो जब वो ज़िंदा थे उन्होंने क्या काम किया, क्या नेकी की, क्या बुराई की, किसके साथ कैसा सलूक रखा, उसका हिसाब दिया जाएगा। जिसके अमाल नेक होंगे उसे एक ऐसी जगह मिलेगी जो खुदा की नेमतों से भरपूर होगी, उसका नाम जन्नत है। और जिसके अमाल बुरे होंगे वो एक इंतहाई अज़ियतनाक जगह में रहेगा जिसका नाम जहन्नुम है, ठीक है।
तो ये तो नॉर्मल ही हैगी, मतलब सबको ही पता है कि अगर अच्छे काम करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, बुरे काम करेंगे तो जहन्नुम में जाएंगे। और हर मुसलमान चाहे जिसने जितने भी गुनाह किए हों वो जन्नत में जाएगा, लेकिन अपने गुनाहों की सज़ा पाने के बाद। हर मुसलमान जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर उसके सवाब कम हुआ और गुनाह ज़्यादा हुए तो वो अपने गुनाहों की सज़ा पाकर उसे ख़त्म करके फिर जन्नत में उसको डाला जाएगा। ठीक है, अहमियत क्या है उसकी? कुरान मजीद में अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद सबसे ज़्यादा ताकीद अकीदे आखरत के बारे में आई है। क्या मतलब कि सबसे पहला ईमान तो यही है कि अल्लाह एक है। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला पर ईमान रखने के बाद सबसे ज़्यादा ताकीद, मतलब सबसे ज़्यादा तवज्जो इस बात पर दिलाई गई है कि अकीदा आखरत है, यानी कि अगर हम ज़िंदा हुए हैं, अगर हम पैदा हुए हैं तो हमें मरना भी है, अगर ये दुनिया बनी है तो एक ना एक दिन ये दुनिया ख़त्म भी होगी, इस पर अकीदा रखना। क्योंकि दुनिया के तमाम अमाल और उनके नताइज की असली बुनियाद इस अकीदे पर ही कायम है। दुनिया के तमाम अमाल मतलब जो दुनिया में हम अपने काम कर रहे हैं, जो दुनिया में कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे का हम देख लेते हैं। इसके बग़ैर बाकी अकायद बेमायने, यानी कि सबसे पहला तो आपको यही मानना है कि अगर आए हैं तो जाएंगे भी। ठीक है, अगर ये नहीं माना तो फिर कोई भी अकीदा नहीं माना आपने। अगर इंसान इस अकीदे का कायल ना हो तो, अकीदे का कायल मतलब यानी कि कोई इस अकीदे को माने ही नहीं, तो फिर वो किसी किस्म की नेकी करने और बुराई से बचने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब है? अगर उसको इस चीज़ पर अकीदा ही नहीं है कि हमें मरना है या इस दुनिया को ख़त्म होना है, तो फिर ना तो वो नेकी करने से पहले सोचेगा और ना ही बुराई करने से पहले सोचेगा। यानी कि वो नेकी करेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे उसका सवाब मिलेगा, और बुराई करेगा तो ये नहीं सोचेगा कि मुझे उसका गुनाह मिलेगा या मुझे इसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है, इसलिए योम आखरत में जज़ा सज़ा को बुनियादी हैसियत हासिल है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने योम आखरत में जज़ा यानी कि अपने गुनाहों की जज़ा मतलब आपको सवाब मिलेगा, ठीक है, आपको इनाम मिलेगा, और सज़ा यानी कि आपको आपके गुनाहों की सज़ा मिलेगी। ये अल्लाह ताला ने आखरत में रखा है। इस अकीदे के ज़रिए दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा की जा सकती है कि इंसान के लिए हर नेकी और भलाई इख्तियार करना और बुराई से बचना आसान हो जाता है। अगर ये अकीदा आपके दिल में है और अगर आप अपने ये अकीदा दिल में रखते हैं तो आपके दिल में खुद ब खुद खुदा खौफ खुदा पैदा होता है, और जब आप किसी के साथ बुरा करने का सोचते भी हैं तो आपको खौफ खुदा रहता है कि अगर मैंने ये काम किया तो मुझे खुदा ताला इसकी सज़ा ज़रूर देगा, और अगर आप कोई नेकी करते हैं तो आपको इसका भी अंदाज़ा होता है कि मैं ये नेकी कर रहा हूँ तो कभी ना कभी मुझे मेरी इस नेकी का जज़ा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुरान मजीद में इस अकीदे के बारे में बेशुमार आयात अल्लाह ताला ने उतारी हैंगी, तो यहाँ पे कुछ आयात यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं उनके तर्जुमे पढ़ देती हूँ। कि आखरत पर यकीन रखते हैं, बेशक आखरत का घर ही असल ज़िंदगी है, और ये वाली तो जो कुल्लुन नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत है, ये तो हर कोई आजकल लगा रहा है, यहाँ तक स्टेटस पे लगा रहा है, जब कोई किसी की इंतकाल की खबर सुन लेता है तो लोग उसको लगा देते हैं। तो यहाँ इसका तर्जुमा है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हर नफ्स को मौत का जायका का मतलब क्या है कि हर वो चीज़, हर वो जो जानदार है जिसमें इंसान भी शामिल है, जिसमें जानवर भी शामिल है, जिसमें पौधे भी शामिल हैं, जी हाँ उसमें पौधे भी शामिल हैं, क्योंकि पौधे जानदार में शुमार होते हैं, और जानदार जिसमें जान होती है। ठीक है, कभी आपने देखा तो है ही कि पौधे मुरझा जाते हैं, तो नॉर्मल ज़बान में तो मुरझा जाते हैं, लेकिन अगर असल मायनों में देखे जाएँ तो वो मर जाते हैं। मुरझाना या मर जाना एक ही, और मरता कौन है? जो जानदार होता है, जिसमें जान होती है। ठीक है, आपने भी आखिरत की फ़िक्र और तैयारी के मुतालिक बार बार ताकीद फरमाई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत के बारे में बताया है कि आप अपने आखिरत की फ़िक्र करें और उसकी तैयारी करें। इंसान भटक जाता है, बहक जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो बहक गया है, भटक गया है, तो वो कभी भी सही राह पर नहीं आ सकता। वो जब दिल चाहे
जिस वक्त चाहे सही राह इख्तियार कर सकता है, और अगर उस वो सही राह इख्तियार करेगा तो खुदा ताला उससे खुश होकर उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा एहतियात करने वाले लोग वो हैं जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करने वाले हों, ठीक है। सबसे ज़्यादा समझदार कौन है? जो लोग जो अपनी मौत को याद रखते हैं, अपनी मौत को याद रखते हैं कि कभी भी बैठे बिठाए अचानक से अपने दिमाग में आ जाए, या हम कभी भी किसी का भी इंतकाल सुन लेते हैं तो अचानक से याद आ जाता है कि हमें भी एक दिन जाना है। तो अपनी मौत को याद करते रहना चाहिए, दिन में कम से कम एक बार इंसान अपनी मौत को याद करे कि हमें जाना है इस दुनिया से। और आखिरत के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करने वाले हों, आखिरत के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी मतलब क्या है कि जब हम अभी जैसे हम जिंदा हैं, हम अपने मामूलाती ज़िंदगी में मशगूल हैं, तो इसमें हम अपनी आखिरत की तैयारी भी करें। जिस तरीके से हम नॉर्मली हम सुबह उठते हैं तो हम रात को सोने से पहले ही अपनी सुबह की तैयारी करके रखते हैं कि सुबह हमें नाश्ते में ये करना है। अगर हम रात का खाना बनाने की करते हैं तो हम दोपहर से ही तैयारी करते हैं कि हमें रात को खाने में क्या बनाना है। तो इसी तरीके से जब हमें मरना है तो मरने से पहले अपनी जीती ज़िंदगी में अपनी आखिरत की तैयारी शुरू कर दें। यही वो लोग हैं जो दुनिया की शराफत और आखिरत का एजाज़ ले उड़े। यही वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत की तैयारी की है और मौत को याद करते हैं, वो आखिरत में भी एजाज़ ले उड़ते हैं, यानी कि आखिरत में भी इनाम पाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों को आपस में मिलाकर फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह से भेजे गए हैं, यानी कि दोनों उंगलियों को आपस में मिलाया, यानी कि मैं आया हूँ तो मेरे पीछे पीछे क़यामत भी आई है, मेरे साथ साथ क़यामत भी आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया आखिरत की खेती से क्या मुराद है? कि ये जो दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, अभी जिस वक्त हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये हमारी खेती है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम इसमें अच्छी फसल बोएं या बुरी। अच्छी फसल और बुरी फसल से क्या मुराद है कि एक मिसाल हम खेत की ही ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मिसाल दी गई कि दुनिया आखिरत की खेती है, कि जब हम मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, डालते हैं, अच्छी फसल होती है, कितना खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस पर मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं कि हम इतनी मेहनत करेंगे कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। तो इसी तरीके से दुनिया में यहाँ पे रहते हुए हमें इतने अच्छे काम करने चाहिए, इतने अच्छे तरीके से रहना चाहिए कि यहाँ पर हम खेती करेंगे तो आखिरत में मरने के बाद हमें उसका हल मिलेगा, उसका सवाब मिलेगा, उसका अंजाम मिलेगा। अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, वो आपकी इस दुनिया पे रह के निर्भर है, इस दुनिया पे रहते हुए निसार है कि आप यहाँ पर कैसे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं। हर इंसान से अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन कुछ से अनजाने में बुराई होती है। उनको लगता है कि हमने जो काम किया है वो सही है, लेकिन अनजाने में गलती हो जाती है, और जब वो उस गलती को इकरार करते हैं तो उसी वक्त उस गलती की माफ़ी की जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के बुरा करते हैं, जानबूझ के लोगों से हसद रखते हैं, जलन रखते हैं, उनके लिए बुरा सोचते हैं, उनके लिए बुरा करते हैं। तो ऐसे लोगों की माफ़ी तो ऐसे भी लोगों की हो जाती है, लेकिन शर्त यही है कि उन्हें अपने किए हुए पर पछतावा होना चाहिए। तो आज जो है मैं यहीं तक रखती हूँ इस सबक को, क्योंकि हमारा सबक जो है वो काफ़ी लेंदी है और वीडियो मेरी जो है वो 14-15 मिनट्स की हो जाएगी। तो ये हमारा है तामीर सीरत में अकीदा आखरत का किरदार। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ये भी समझाऊँ बहुत अच्छे अल्फाजों में, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि आप इसके आगे का चैप्टर भी समझें, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी हौसला अफज़ाई कीजिए। इंशाल्लाह कल मैं इसके आगे का ये वाला जो हिस्सा है आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।